Hello everyone, this is Saksham and today I will be going to explain you chapter number 2, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Ellen East of Hornbill NCRT class 11th. Video ko start karne se pehle, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe my channel. And don't forget to press on the bell icon so that you can get further notifications of posting of my video. So, it is a story written by the Gordon Cook and Ellen East. And ये जो story है ये 37-year-old businessman की है, जो कि क्या है इस story के narrator हैं. वो अपनी wife Mary और अपने दो बच्चों के साथ, जिनका नेम जोनाथन और सुजेन यानी कि स्यू है, उनका सपना था कि वो एक सी वॉयज पर जाएं, वर्ल्ड टूर पर, किस पे, अपनी शिप वेव वॉकर पे. उन्होंने ट्राई करा था कि वो कैप्टन जेम्स कुक को कॉपी करेंगे. कैप्टन जेम्स कुक कौन थे, उन्होंने काफ़ी सारी सी वॉयजेस की हुई हैं, इसके बारे में हम जो हैं स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे कि उनकी सी वॉयज कैसी रही, क्या क्या उनको सी वॉयजेस में परेशानियां आई, उनकी शिप्स में क्या क्या परेशानियां आई, उनकी फैमिली का एक स्ट्रेंथ क्या थी, मतलब वो लोग क्या सोच रहे थे कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, अगर हम साथ में मिलकर हैं तो हम जो है कभी नहीं मर सकते. इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि मतलब अगर हम डरते नहीं हैं, अगर हम एक साथ में हैं तो हम सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजेन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. सो ये जो स्टोरी है ये उसमें बताया गया है 1976 जुलाई की बात है, जिसमें उसकी वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 इयर्स के हैं, डॉटर सुजेन 7 इयर्स की हैं, वो प्लायमाउथ जो कि इंग्लैंड में है वहाँ से अपनी सी वॉयज स्टार्ट करी. और वो जो है वर्ल्ड वॉयज जो कि 200 इयर्स पहले का जो एक रिकॉर्ड था उसको कॉपी करना चाह रहे थे, जो कि किसने बनाया हुआ था, कैप्टन जेम्स कुक ने. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 इयर्स वी हैड बीन स्पेंट ऑल आर लीजर टाइम होनिंग आर सी फियरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. तो बहुत टाइम से मैरी और वो खुद नरेटर 37 इयर्स जो कि ओल्ड बिजनेसमैन है, उनका सपना था कि वो फेमस एक्सप्लोरर को कॉपी करें और पिछले 16 इयर्स से वो अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो क्या कर रहे हैं, होनिंग आर सी फियरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर, मींस मेकिंग देमसेल्फ फिट टू ट्रैवल ऑन द सी. वो अपनी बोट को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं, वो खुद को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हमें एक ऐसी सी वॉयज पे जाना है जो कि बहुत ज़्यादा हार्श वेदर कंडीशन से होकर गुजरती है. हार्श वेदर कंडीशन यानी कि कभी कभी हर किसी ओशन का जो है सेम वो नहीं होता है, सेम पैटर्न नहीं होता है रेनफॉल का, सीजन का, कि कोई कोई ओशन जो होते हैं वो काफ़ी रफ होते हैं, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग होता है, काफ़ी हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं. तो वो ये चाह रहे थे कि हर किसी कंडीशन में वो वेव वॉकर उनका फिट बैठ जाए. आर बॉट वेव वॉकर, अ 23 meter, अ 30-ton वुडन हर्ल्ड ब्यूटी had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो इनकी जो बोट का नेम था वो क्या था, वेव वॉकर था. वो 23 मीटर की लंबी 30 टन की जो थी काफ़ी एक भारी ब्यूटीफुल बोट थी जिसको प्रोफेशनली बनाया गया था
और उन्होंने काफी मंथ जो है इसको टेस्टिंग करा था, फिटिंग वगैरह देखी थी उसकी कि वो सही तरीके से सारे वेदर्स में फिट बैठ पा रही है या नहीं बैठ पा रही। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो वो इंग्लैंड से अफ्रीका होते हुए जो है वो निकल रहे थे, तो शुरुआत के 105,000 किलोमीटर जो थे वो प्लीजेंटली निकल गए अफ्रीका के केप टाउन तक। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब ईस्ट डायरेक्शन में एंटर करने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, अब उन्होंने 2 क्रूमैन अपने साथ में ले लिए, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सीगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी द सदर्न इंडियन ओशन। तो उन्होंने इन 2 पर्सन को इसलिए लिया क्योंकि वो वर्ल्ड का रफेस्ट सी, रफेस्ट ओशन जो था उसको उन्हें क्रॉस करना था और उसके लिए उन्हें किसी पर्सन की हेल्प थी, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन लैरी विजल और स्विस हर्ब सीगलर को लिया। और जो रफेस्ट ओशन या फिर सी था उसका नेम क्या था, इंडियन ओशन। Coming to the next page, our second day of Cape Town began. We began to encounter strong gales for next week, few weeks they blew continuously. Second day जो था उनका Cape Town से शुरू हुआ जब उन्होंने वहां पर strong gales को experience करा, स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ हफ्तों तक वो कंटिन्यूसली ब्लू करते रहे। गेल्स डिड नॉट वरी मी, ऑदर कहते हैं कि उनको स्ट्रॉन्ग विंड से बिल्कुल डर नहीं लगता, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, और अब जो उन वेव्स की वजह, उन विंड्स की वजह से जो वेव्स उठ रही थी वो काफी अलार्मिंग थी, उन्हें उनसे डर लग रहा था। अप टू 15 मीटर्स हाई, एज हाई एज अवर मेन मास, तो वो इतनी हाई थी, 15 मीटर्स की हाइट तक वो वेव्स उठ रही थी जितना उनका मेन मास था। मेन मास का मतलब है टॉल मेटल पोल फॉर फ्लैग, जो कि फ्लैग को टांगने के लिए यूज किया जाता है, इतना लंबा जो शिप के अंदर लगा हुआ था, लगभग वहां तक जो है वो वेव्स उठ रही थी। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, December 25 found us 3500 kilometers east of Cape Town. December 25 तक वो 3500 किलोमीटर Cape Town के east direction में चलने लग गए थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. Despite atrocious weather, यानी कि खराब मौसम के कारण भी हमने जो है काफी अच्छे से holiday को spend करा Christmas tree के साथ में। New Year Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. New Year Day में भी कुछ भी वेदर में कुछ चेंज नहीं हुआ, पर हम चाह रहे थे, हम ये देख रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ चेंज होने वाला है, एंड इट डिड चेंज, और हुआ भी चेंज फॉर द वर्स, यानी कि पहले से और ज्यादा खराब हो गया। On January 2, dawn means in the morning of January 2, the waves were gigantic. अब जो waves थी वो काफी huge हो गई, काफी बड़ी हो गई। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. वो जो है छोटी सी storm jibs, storm jibs क्या होती है? Small heavy jibs for use in high winds. जो तेज आंधी में जो है jibs को use करा जाता है, वो थी। और वो उसके अंदर उन्होंने कुछ डायरेक्शंस को चेंज करके 8 knots डाल दिया। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. जैसे ही हर किसी वेव्स के ऊपर तक शिप आ जाती थी, वो देखते थे कि ऐसा पूरा एक सी जो था वो उनकी तरफ आ रहा है, काफी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी और उन्हें विंड की आवाजें भी आ रही थी जो काफी पेनफुल से लग रही थी ईयर्स में, यानी कि आंधी जो थी वो बहुत तेज चल रही थी।
To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. अब बोट को उन्होंने स्लो करने के लिए अब उन्होंने स्टॉर्म जिब जो थी काफी धीरे कर दी और लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप. मूरिंग रोप यानी कि जिससे बोट्स को बांधा जाता है, तो भारी भारी सी जो रोप्स थी उनको छोड़ दिया. इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न मतलब शिप के बिल्कुल पीछे की तरफ उन रस्सियों को छोड़ दिया जिससे शिप पीछे से उठे ना. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग went through our life raft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jackets and waited. फिर उन्होंने double lash किया. Double lash means to hit with great force. Lashing means hit with great force. बहुत ही hit करके हर किसी चीज को उन्होंने सारे जितने भी अपनी लाइफ लाइन्स वगैरह जो होती हैं अपनी लाइफ जैकेट्स वगैरह उन सब के लिए उन सब को तैयार कर लिया. कुछ ने पहन लिया और फिर वेट करा. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनियस साइलेंस. तो ये जो था अब जो पहला डिजास्टर जो आया उसका हमें पता कैसे चला किस टाइम पे 6 PM पे विद एन ओमनियस साइलेंस. ओमनियस साइलेंस मींस इम्पेंडिंग डेंजर यानी कि तूफान से पहले की जो डेंजर था वो पता चल गया था. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. विंड आंधी चलनी बंद हो गई थी और अंधेरा छा गया था बिल्कुल. देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आउट आफ्ट ऑफ द शिप. फिर एकदम से रोरिंग की आवाज आई जैसे आंधी सी चलती है तो उसकी आवाज आई और फिर एकदम से क्लाउड जो थे वो शिप के पीछे दिखने लग गए. विद हॉरर डर के कारण आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. तो अब जब उसने डर के मारे जब पीछे देखा तो उसे क्लाउड्स पहले लगे पर बाद में वो क्या थे वेव्स थी. इतनी बड़ी वेव्स के मतलब जैसी उसने कभी आज तक देखी ना हो. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. ये लगभग बिल्कुल उसकी जो बिल्कुल वर्टिकली खड़ी हुई थी मतलब बिल्कुल सीधी वेव्स थी और लगभग अदर वेव्स की ट्वाइस ही दोगुनी थी और काफी उनका फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट था. क्रेस्ट यानी कि उनकी ऊंचाई काफी ऊंची थी जिसको देखकर काफी डर लग रहा था. द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. जो रोर जो थी वो एक तरीके से थंडर की तरह जो थी जैसे बिजली गड़क दी है इस तरीके से हो गई. एज द स्टर्न स्टर्न यानी कि बैक एंड जो था शिप का मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. जैसे ही शिप पे वो आके टकराई तो जो उसका जो शिप का जो बैक फेस था वो बिल्कुल वेव से वेव के फेस के ऊपर उठ गया. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. एक मोमेंट के लिए तो उसे ऐसे लगा कि अब जो है हम इस वेव के ऊपर चल जाएंगे. मतलब वेव ने जो है उस आके जो है शिप के ऊपर ही आके गिरी एक तरीके से. बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक. पर एकदम से जो है जैसे वो वेव्स आके पड़ी उसके ऊपर शिप के ऊपर तो एक एक्सप्लोजन की तरह हुआ. ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. तो एक तरीके से एक बहाव आया बहुत तेजी से टॉरेंट यानी कि बहुत ही पुश करता हुआ और चोट पहुंचाता हुआ. ग्रीन और वाइट कलर का जो पानी था वो शिप के ऊपर आ गया और उसका जो नरेटर का जो हेड था वो स्मैश्ड इनटू द व्हील्स व्हील्स पर जाकर लगा जिससे डायरेक्शन चेंज करी जाती है. और जो था वो एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड. उसे ऐसा लग रहा था नरेटर को कि वो जो है फ्लाई कर रहा है वहां पर और सिंकिंग बिलो द वेव्स फिर वो पानी के अंदर डूबने लग गया. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग अनकॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. फिर उसने सोच लिया कि अब जो है मेरी डेथ आने वाली है एंड आई वॉज
एंड और वो जो है बेहोश होने वाला था, फिर उसे काफी पीसफुल सा लगने लग गया। अनएक्सपेक्टेडली माय हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, फिर जो ऐसा उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर उसका हेड जो था पानी के बाहर आ गया। कुछ मिनट्स कुछ मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कुछ दूरी पर ऐसे लगने लगा कि वेव वॉकर जो है जो उनका जो शिप है वो पानी के अंदर जाने वाला है। टू टर्न ओवर इन वाटर, कैप्साइजिंग मीन्स पानी के अंदर जाने वाला है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसके जो मास्ट थे यानी कि जो पोल्स थे वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गए हैं, बिल्कुल लेट से गए हैं। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू वेव वॉकर्स मेन बूम। फिर एक वेव और आई हर्ड करती हुई, हर्ड यानी कि टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स, इस तरीके से आई कि उसने वेव वॉकर को बिल्कुल अपने ऊपर ले लिया हर अपराइट, और उसकी जो लाइफ लाइन थी वो जर्क टॉट, लाइफ लाइन में जो है जर्किंग होनी शुरू हो गई। आई ग्रैप द गार्ड रेल्स, और उसने फिर जो है प्रोटेक्टिव रेलिंग्स को पकड़ा एंड सेल्ड थ्रू, और स्विमिंग थोड़ा सा करते करते एयर के साथ में वो वेव वॉकर के मेन बूम तक पहुंच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, बहुत सारी वेव्स जो थी उसमें वो आती रही उसके पास में और उसको धकेलती रही, किस तरीके से जैसे एक कूड़े में पड़ी हुई डॉल, अगर पानी में कोई डॉल को अगर हम छोड़ते हैं बार बार वो आगे पीछे होती रहती है। माय लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, अब उसे लगा कि उसके जो रिब्स थे वो क्रैक हो गए हैं। माय माउथ फिल्ड विद ब्लड, और उसके मुंह से खून आने लग गया था और उसके टीथ जो थी वो टूट गए थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील, जैसे तैसे करके उसने जो है व्हील ढूंढा, lined up the stern for the next wave and hung on. फिर जो है वो stern के पास में गया, back end of the ship के पास में, और फिर next wave का जैसे ही उसे लगा कि वो आने वाली है वो वहीं पर खड़ा रहा उसके पास में। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. सारी जगह पानी था और वो जो है उसे ऐसा फील हो रहा था कि पूरी शिप के अंदर वाटर है नीचे की तरफ, पर उसने जो है व्हील को इन्वेस्टिगेट करने से अपने आप को रोका नहीं, वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसके ऊपर। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, तो एकदम से जो फ्रंट ओपनिंग थी जो डेक की वो खुल गई और वहां से मैरी निकल के आई। We are sinking, she screamed. वो चिल्लाते हुए बोली कि हम जो है डूबने वाले हैं। The decks are smashed, we are full of water. जितने भी decks हैं, जितने भी areas हैं ship के अंदर, लगभग सब में ही पानी है और सब जगह पे पानी फुल, और decks जो हैं सारे वो टूट चुके हैं। ठीक, take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. जैसे ही उसने हैच के लिए बोला तो उसने कहा कि व्हील को पकड़ो, किसने, ऑथर ने कहा। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और जो हर्ब जो दो पर्सन से वो पानी निकालने का काम कर रहे थे बहुत तेजी से। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो ब्रोकन टिम्बर्स से लकड़ियों के जो पीसेस थे वो भी उनकी शिप्स में आ गए थे। The whole starboard side bulged inwards, जो starboard की जो side थी वो एक तरीके से आगे से बिल्कुल डूब गई थी पानी के अंदर। Clothes, crockery, charts, tins and toys lost about in deep water, तो ये सारी जितनी भी चीजें थी वो सब पानी के अंदर डूब गई थी। I half swam, half crawled into the children's cabin, आधे डूबा हुआ और आधे रेंगते रेंगते जो है वो कहाँ पहुंचे, उधर चिल्ड्रंस के केबिन में पहुंचे। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब लोग ठीक हो, आई आस्क्ड, उधर ने अपने बच्चों से पूछा। यस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड सू, तो सू जो थी उनकी जो बेटी थी 7 ईयर्स की
उसने जो है अपने फादर से कहा कि यस हम सब लोग ठीक हैं, पर मेरे सिर पर जो है थोड़ी सी चोट लग गई है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसकी आईज के ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्वलन सूज गया था एरिया, तो स्वलन एरिए को वो पॉइंट करते हुए उसने दिखाया कि मेरे सिर पर चोट लग गई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, तो ऑदर के पास में टाइम ही नहीं था कि वो उन हेड्स की तरफ देखे। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, हैमर कैनवस और स्क्रूज को ढूंढने के बाद में वो फिर से डेक पर वापस आ गए शिप के मेन फेस के ऊपर। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, तो वहां से पानी काफी आ रहा था और जो है हर वेव के साथ में जो है पानी अंदर आ रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, ऑदर ने कहा कि अगर मैंने अभी तक कोई भी इसमें कुछ रिपेयर नहीं करा तो हम जो है फिर सही में डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch over across the gaping holes. तो कुछ मैनेज करके उसने जो है waterproof hatch जो था वहां पर बिछाया canvas के साथ में और उन उन areas को बंद कर दिए जहां पर जो थे gaps बने हुए थे, holes बने हुए थे। Some water continued to stream below but most of it was now being deflected over the side. कुछ पानी जो है waves के साथ में अंदर आ रहा था पर आधे से ज्यादा पानी जो है वहीं से डिफ्लेक्ट होकर वापस चला जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, तो ज्यादातर प्रॉब्लम कब आनी शुरू हुई जब उनके हैंड पंप्स जो थे वो ब्लॉक होने शुरू हो गए और डेब्रीज जो थी, डेब्रीज मीन्स पीसेस ऑफ रबिश जो थे वो फ्लोट करने लग गए थे कैबिन्स और इलेक्ट्रिक पंप फिर शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, वाटर लेवल जो था वो बहुत अलार्मिंग रेट पर बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन व्रेंच्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोर्स्ड सेल द जिप द डिंगीज एंड द मेन एंकर, तो वाटर बैक ऑन द डेक, डेक पर आने के बाद में उसे ऐसा लगा कि जो दो स्पेयर हैंड पंप्स हैं हैड बीन व्रेंच्ड ओवरबोर्ड, अभी भी जो है उनके पास में दो हैंड पंप्स और हैं जो थे, जो दो हैंड पंप्स जो थे वो खराब हो गए हैं अलोंग विद द फोर्स जिब और एक जो पीस ऑफ स्टैंडिंग विच कीप्स मोस्ट ऑफ फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड्स, कि मतलब गिरने से जो एरिया बचाता है वो एक जिब, जिब क्या होती है एक ट्रायंगुलर सेल, सेल करने के लिए जो एक ट्रायंगुलर कपड़े की तरह लगी हुई होती है शिप के ऊपर, और द डिंगीज, डिंगीज क्या होती हैं जो छोटी सी ओपन बोट होती है वो, और मेन एंकर, मेन एंकर जिससे हम बोट्स को चलने से रोकते हैं, ये सारी चीजें जो थी वहां पर जो थी एक तरीके से व्रेंच हो गई थी यानी कि थोड़ी सी टूट गई थी। देन आई रिमेम्बर्ड, फिर उसे याद आया वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, हमारे पास में एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर पे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, फिर उसने बाहर के जो पाइप से उसको कनेक्ट कर लिया एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और फिर वो जो है वर्क करना शुरू कर दिया था उस हैंड पंप ने, सॉरी इलेक्ट्रिक पंप ने। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, पूरी रात जो है वो ऐसे ही ठंड के मारे पंपिंग करते रहे जिससे पानी बाहर निकलता रहे, स्टीयरिंग घुमाते रहे और रेडियो पर वर्क करते रहे जिससे कॉल करके जो है उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। We were getting no replies to our mayday calls. उनको कोई भी जो है रिप्लाई नहीं मिल रहा था टू अवर मेडे कॉल्स, मेडे कॉल्स मीन्स अर्जेंट कॉल्स, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये तो सरप्राइजिंग था ही नहीं, ऐसे एरिया में जो है कनेक्शन कम ही मिल पाते हैं जो बिल्कुल अलग हों। सीयू हेड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, सीयू का जो हेड था वो काफी सूज गया था, काफी बड़ा हो गया था। She had
two enormous black eyes. अब उसकी आईज भी ब्लैकिश सी हो गई थी. एंड नाउ शी शोड अस डीप कट ऑन हर आर्म्स. अब वो अपने हाथों में जो है वो कट लगे हुए थे उनको दिखा रही थी. When I asked, जब उसने पूछा why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, उसने पूछा कि तुमने अपनी इंजरीज को पहले से ही ठीक करके हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इंजरीज हो रही हैं. She replied, उसने रिप्लाई करा, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. मतलब मैं आप सब लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप सब लोग मुझे हम सब को बचाना चाह रहे थे. So I will be going to explain the above part of this chapter in the next video. Stay tuned for the next video. Hope you like this video. And if you like this video, please click on the like button. And for more videos like this, please do subscribe my channel. Thank you.